अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मजेदार से चटपटे से मसालेदार चपली कबाब। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने रखी हुई है। तो चले चलते हैं। ये कीमा जो मैंने इसको ये देखें अच्छी तरह चॉपर में इसको पीस के रख दिया है। ये कीमत तकरीबन 2 से 2.5 किलो है। इसके बाद हमने ये लिया है 1 पाव टमाटर जो हमने ये देखे बारीक बारीक से काट लिए। उसके साथ हम लेंगे 2 बड़े चम्मच हमने लिए हैं इसमें मकई का आटा। उसके साथ हम लेंगे ये मसाले, मसाले को आपको दिखा दूं। ये देखें बिल्कुल सिंपल से है, कोई इसमें ज़्यादा जायद कोई गर्म मसाला कोई इस तरह की चीज़ नहीं यूज़ की मैंने। तो ये सिंपल तरीके से मैंने बनाया। ये 2 चम्मच हमने लिए नमक के, ये 2 बड़े चम्मच हमने सूखा धनिया पीसा हुआ ददड़ सा लिया है, और साथ में ये 1 चम्मच बड़ी हमने ली है कुटी लाल मिर्च। साथ हमने 1 चम्मच इसमें लिया है हल्दी का, आधी हमने टीस्पून लिया अजवाइन, 1 चम्मच हमने नारदाने का लिया है, 1 बड़ा चम्मच हमने जीरे का, 1 बड़ा चम्मच हमने काली मिर्च पीसी हुई ली है। ये देखें बिल्कुल सिंपल से मसाले हैं, कोई इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती। ये देखें, और इस ये जो मैंने कीमा पीस के रखा हुआ था इसके साथ ही मैं इसको इसमें डाल के इसको मैरिनेट करूँगी। उसके साथ ही मैंने ये लिया है प्याज, ये तकरीबन 1.5 पाव प्याज था। इसको मैंने ये देखें पीस के इसका पानी निकाल के तो इसको रखा हुआ मैंने। साथ ही मैंने ये ली है हरी मिर्च की, हरी मिर्च जो है बारीक बारीक काट के और उसको ग्राइंड किया हुआ था ददड़ सा। साथ में ये हमने चटनी के लिए लिए है ये इमली का पल्प है, पानी है इमली का, ठीक है। तो साथ ही ये हरी मिर्चे, प्याज, 2-3 अजवे जो है इसके लहसुन के लिए हैं। साथ में 1 चम्मच हमने ये सौंफ का लिया है, थोड़ा सा धनिया और 1 पूरी कट्टी हमने ली है पुदीने की। तो चले सबसे पहले हम बनाएंगे इमली की चटनी, तो लेट्स गो। हाँ जी, तो हम सबसे पहले इसको हम ग्राइंड करेंगे। ये ग्राइंडर है, इसमें हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा हम बचा लेंगे, जितना चाहे आप बना सकती हैं चटनी, जितनी चाहे आप बना सकते हैं। ये तो वैसे भी सबको पसंद होती है। साथ ही हरी मिर्च डाल देंगे और प्याज को ऐड कर लेंगे। इसको हम तमाम चीजों को डाल के हम ऐड कर लेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच चीनी के, ठीक है। और इसके साथ ही हम डालेंगे इमली का ये जो पानी हमने रखा हुआ है ये इसमें जाएगा और इसको हम करेंगे ग्राइंड। चटनी तो हमारी तकरीबन तैयार हो गई है, मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी। अब चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो वेलकम बैक, हम जा रहे हैं बनाने ये चपल कबाब को। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये 2 से 2.5 चम्मच हमने ये लिया है मकई का आटा। इसको इसमें इसमें डाल के मिक्स करेंगे अच्छी तरह। हाँ जी, इसको हम पहले अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें अच्छी सी लेस बन जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट हम इसमें मसाले डालेंगे। ये देखिए कि मसाले एक दफा फिर आप देखें ये हम जाने लगे सारे के सारे इसमें। इसको अच्छी तरह मिक्स करके 2 घंटे के लिए हम इसको
मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। हाँ जी गाइस देखें हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। ये देखें इसमें लेसी आ गई है और साथ ही हम ये बारीक कटे हुए डालेंगे टमाटर। ये हमने लिए तकरीबन एक पाव। अब इसको डाल के हम अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे ये प्याज जो हमने ग्राइंड करके और उसको पानी निकाल के इसका रखा हुआ। साथ में इसमें डालेंगे चॉप की हुई हरी मिर्चें। ज्यादा डाल सकती हैं अपने हिसाब से। अगर आप तेज खाती हैं तो थोड़ा सा स्पाइसी आप कर सकते हैं। मसाले वगैरह डाल दें और जरा क्वांटिटी इसकी बढ़ा लें स्पाइसी की। अब इसको हम 2 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट करने के लिए। फिर इसको हम फ्राई करते हैं। छटिया आके बैठ गई है। हमारे मजेदार से चटपटे से चटनी कबाब तैयार है। इसको चटनी के साथ सर्व करें और इंजॉय करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसी साथ ही आज की रेसिपी खत्म होती है। अगली रेसिपी के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।